आज ये जो कैंडल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, क्या वजह है, किस लिए आप कैंडल मार्च निकाले हुए हैं? अभी आपने एक भयावह चेहरा देखा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसको आप योगी पुलिस भी बोल सकते हैं, और गोरखपुर की पुलिस है। तो मुझे लगता है गोरखपुर की पुलिस कोई भी कृत्य कार्य करती है तो हमारे मुख्यमंत्री जी को पता रहता होगा। एक मासूम एक व्यक्ति मनीष गुप्ता जी, जो कानपुर के रहने वाले थे, गोरखपुर में किसी होटल में ठहरे थे, अपने कार्य थे, उनकी फ़ोटो भी वायरल हुई, उनकी फ़ोटो भी लोग देख रहे हैं, कितनी मासूमियत से वो खड़े पुलिस वालों के सामने हाथ पीछे करके, और पुलिस का बयान आता है कि वो अपना कागज़ नहीं दिखा रहे थे और भाग रहे थे, इसलिए उन्होंने उसकी हनकी हत्या कर दी। इतना अमानवीय कृत्य हुआ है, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जिससे उस परिवार को कोई संतावना या कुछ अब संतोष पहुंचे। ये सब जानकारी के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उनके घर पे गए, उनके परिवारों से मिले, और सबसे पहले उन्होंने 20 लाख की उनको मदद देने का काम किया। वो अखिलेश यादव जी ने वो काम किया जो तत्कालीन मुख्यमंत्री को करना चाहिए थे, जो कि योगी आदित्यनाथ जी हैं। आज मैंने सुनने में आया है कि योगी आदित्यनाथ जी गए हैं मिलने, लेकिन उनके घर पर ना जाके पीड़ित परिवार को अपने पास पुलिस लाइन में बुला के उनसे मुलाकात करिए, जो हम समझते हैं एक अमानवीय है, ये व्यवहार अच्छा नहीं है पीड़ितों के साथ। इसके विरोध में और एक सांकेतिक रूप में शोक प्रकट करने के लिए आज हम सब साथियों ने यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला। बहुत आपका परिचय? मेरा नाम शिवेंद्र यादव है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुका हूँ, मैंने पॉल साइंस का। मेरे पिताजी का नाम शैलेंद्र यादव लल्ली है, मैं उनका छोटा पुत्र। तो आज खेतासराय में जो आपने ये कैंडल मार्च निकाल कर ये संदेश दिया है जी, तो आप लोग सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें केवल उम्मीद श्री अखिलेश यादव जी से है। वही उम्मीद पीड़िता के परिवार और पीड़िता हैं, उन्होंने भी अखिलेश यादव से रखी। उन्होंने भी अपने बच्चे को, जब वहाँ अखिलेश यादव जी पहुँचे तो वहाँ बताया कि बेटा मामा आए हैं, तो उनको जितनी उम्मीद है उसी तरह पूरे जनता, हमारे जो क्षेत्रवासी हैं, पूरे प्रदेशवासी, उनको भी उम्मीद है। हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अखिलेश यादव जी अपना काम कर रहे हैं, जो 20 लाख की मदद थी वो भी समाजवादियों ने दी है, अखिलेश यादव ने दी है। तो हमें फिलहाल हमें लगता है जब अखिलेश यादव जी आएंगे तभी हम पूरे समाज और पूरा प्रदेश उनसे उम्मीद कर सकता है। धन्यवाद।